नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर अमेठी के मुसाफिर खाना से। पूरे प्रेम शाह स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेता राजू ओझा की ओर से यूथ कांग्रेस के नए प्रतिनिधि मंडल में शामिल पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। प्राप्त जानकारी अनुसार कांग्रेस यूथ के प्रतिनिधि मंडल में शामिल नए पदाधिकारियों को राजू ओझा के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके पूर्व गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। सोमवार को घोषित गौरीगंज विधानसभा यूथ कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक निवासी नए पदाधिकारियों को वरिष्ठ नेता कुलवंत सिंह की अध्यक्षता में फूल माला पहनाकर, गमछा भेंट कर व लड्डू खिलाकर सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। राजू ओझा ने कहा कि भाजपा भ्रम फैला रही है, देश को गुमराह कर रही है। भाजपा के झूठ को अब देशवासी समझ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अब हम सबको जनता के बीच जाकर बताना है। ओझा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार हम सब युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस अवसर पर जय बहादुर यादव, मोहित गुप्ता, विकास यादव, आशीष यादव, मान सिंह यादव, अंजनी राम शरण यादव, सत्यवान सिंह सहित दर्जनों युवक मौजूद रहे। मंडल ब्यूरो अयोध्या के साथ प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी मुसाफिर खाना से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। आज मुसाफिर खाना के लिए ब्लॉक के लिए सबसे शुभकामनाएं है कि ऐसी बीमारी भी उन्होंने चूज की है कि जो पिछले एक या दो साल से हमारे साथ कंजेस्ट गंगा मिलाकर काम कर रही है। मैं सबसे पहले जीवी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी टीम ला के आपने दिया है। आगे लोग हमारे साथ युवा कांग्रेस हमारे साथ काम करेगी, इसके लिए मैं सभी युवा साथियों को पदाधिकारियों प्रदेश की गहराइयों धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।